नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पोए का साग का सब्जी बनाएंगे। दोस्तों, पोए का साग का सब्जी ना बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, और ये हमारे शरीर के ना हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ठीक करता है, और बहुत ही बीमारियों में ये कारगर है। मतलब एक तरह से ना औषधि है। तो आज हम इसका सब्जी बनाएंगे, पोए का सब्जी का, और आपको बना के खिलाएंगे भी। तो दोस्तों, ये जो सब्जी है ना बहुत ही टेस्टी, और मिले तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। सीजन में 2-3 बार खा लिए तो आप मतलब निरोग रहेंगे। बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। तो दो तरह का पोए होता है, दोनों तरह का हम दिखाएंगे। एक होता है देसी, एक होता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड भी दिखाएंगे और देसी भी दिखाएंगे। दोनों को आप खा सकते हैं, दोनों में एक ही पौष्टिक है, देसी वाला थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं दोस्तों आ गई हूँ खेत में। यहाँ पे एक पोए का साग है जो हाइब्रिड है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो ये देखिए, ये पोए का बेल है, ये हाइब्रिड पोए का बेल है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत रेड कलर का, जैसा इसका कलर है ना वैसा हमारे शरीर में खून भी बनाएगा, यानी कि बोल लीजिए इसको खून बनाने का मशीन है ये। ये पोए का साग खाते हैं तो आपका मतलब खून की कमी कभी नहीं होगी। जड़ देखिए यहाँ पे है, वो देखिए कितना मोटा जड़ है, इधर है। देखिए ये कितना बड़ा टहनी है और जड़ इसका मोटा है। तो मैं आपको इसमें से कैसे तोड़ के बनाना है वो बताती हूँ। पहले तो नरम वाला पार्ट को हम लोग तोड़ लेते हैं। ये देखिए नरम है, इसको तोड़ के रख लेंगे। ये एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है दोस्तों, इसे ब्लॉगिंग करती हूँ। तभी मैं ब्लॉगिंग वाले दोस्त को भी दिखाना इसलिए लेके आई थी फ़ोन। और बाकी इसका पत्तियाँ हम तोड़ लेंगे नरम नरम। ये देख रहे हैं इसका पत्तियाँ हम तोड़ लेंगे। और ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, मुलायम पोर्शन ही तोड़ते हैं हम लोग, बाकी हम नहीं तोड़ते हैं, सिर्फ पत्ता लेंगे। ये हाइब्रिड अलवा है, ये हाइब्रिड वाला है पोए का साग। आपको बाज़ार में आसानी से ये मिल जाता है, और जब भी आपको मिले आप ज़रूर इसका सेवन करें। लग रहा मैं तो आयुर्वेदिक बन जाऊंगी, क्योंकि ये जो पोए का साग है आयुर्वेदिक में बहुत काम आता है। हमारे गार्डन में, हमारे किचन में इतने सारे चीज़ है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो हम लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन ये हमारे गाँव में बहुत लोग खाते हैं इसको। तो पत्तियाँ हम देखिए नरम नरम पत्तियाँ ले रहे हैं। ये फिर से पत्तियाँ आ जाएगा इस डाली में, जहाँ से तोड़ रही हूँ ना वहाँ से दोबारा पत्ती आ जाएगी। देखिए भूख हो गई बड़ी ज़्यादा, तो देख रहे हैं कितना सारा पत्ता तोड़ ली हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग इसका पत्ता तोड़ लेते हैं, बाकी फिर से ये तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो आपको भी जब भी आप बाजार से लाएँ तो इसी तरीके का ले आएँ पोए, और बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पे देखिए मिर्ची का पौधा है, इसमें 2-4 मिर्ची भी हम ले लेंगे, क्योंकि इसमें मसाले हम तैयार करते हैं स्पेशल मसाला। तो इसमें ना लाल मिर्चा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब आप हेल्थ के लिए बना रहे हैं तो हरा मिर्चा डालिएगा, तो ज़्यादा टेस्टी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। इसलिए हम हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं ये सब्जी, और हमारे गाँव में इसी तरीके से बनता भी है। देखिए हम मिर्चा भी ले लिए हैं, अब चलते हैं घर। पेड़ की छाया का बात ही कुछ और है दोस्तों। देखिए अभी ना बरसात का सीजन चल रहा है, तो मतलब धूप जो होता है ना बहुत कड़क होता है, एकदम सीधे छोटा दिमाग में लगता है। तो अब चलते हैं घर और आपको हम पोहे का सब्जी बना के दिखाएंगे। ये
कोई मैंने काफी मिट्टी लगा हुआ था, धो लेते हैं अभी तो इसको और धोएंगे हम, लेकिन अभी धो लिए क्योंकि ज्यादा मिट्टी लगा हुआ था। अभी आपको देसी पौधा भी दिखाना है। यहाँ पे देखिए हम अपने गार्डन में देसी वाला पोए रखे हैं। ये देसी वाला पोए है, ये देख रहे हैं। तो इसका भी हम लोग नरम नरम ही डंठल लेते हैं, ये देख रहे हैं। ये देखिए ये नरम नरम बेल लेंगे। बेल लेने के बाद ये जो पत्तियाँ दिख रही है ना हरी हरी, ये ले लेते हैं खूब सारा। ये जो नरम पत्तियाँ है ना इसी का बनाया जाता है। तो ये देसी पोए है, आप लोग देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों। इसका जो पत्ता है ना छोटा छोटा होगा, ये देख रहे हैं, और इसका जो पत्ता है ये बड़ा बड़ा है। ये अलग तरह का है, ये अलग तरीके का है। ज़्यादा फायदेमंद यही होता है, लेकिन आपको जो मिले वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम नरम नरम पत्तियाँ भी ले लेंगे, चाहे कोई सा भी पोए मिले आपको बनाना है इसी तरीके से। मैं आपको बस पौधा दिखा दी, तो लेके चलते हैं और बनाते हैं। अब देखिए पोए का जो पत्ता है इस पे हम लोग देखते हैं कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है, तो चेक कर लेंगे और उसके बाद ही हम बनाएंगे। तो सारे पत्तों को हम इस तरीके से एक एक करके चेक करके फिर रखते जाएंगे एक बर्तन में, फिर हम इसका साग बनाएंगे। जो डंठल वाला पार्ट होगा उसको इस तरीके से हम इसका रेशा निकाल के फेंक देंगे। हम मुलायम वाला ही रखेंगे, हार्ड वाला नहीं रखेंगे। ये देख लीजिए, इसी तरीके से हमें जितना भी डंठल का है पार्ट उसको हटा देना है और साफ कर करके रखते जाना है। ये डंठल है, अगर इसमें रेशा है तो इस तरीके से निकाल लें, ये मुलायम हो जाएगा। तरीके से हम सभी पत्ता को साफ करके रख लेंगे। तो दोस्तों पोए का सब्जी जो है ना ये बहुत से तरीके से बनाया जाता है, मैं आपको बताती हूँ जैसे उनमें से कौन कौन सा तरीका। तो इसे आप चने के दाल के साथ भी बना सकते हैं, इसे आप मसूर के दाल के साथ भी बना सकते हैं। मसूर का दाल को भिगो दें 10 मिनट पहले, अगर चना के दाल के साथ बना रहे हैं तो चना के दाल को आप 4 से 6 घंटा पहले भिगोएं। अगर आलू के साथ बना रहे हैं तो तुरंत का तुरंत बनाएं। अगर खाली पोए बना रहे हैं तो आप खाली पोए बनाएं। मतलब इसको ना बहुत से एक्सपेरिमेंट करके बनाया जा सकता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो आज मैं आलू के साथ बनाने वाली हूँ। लेके लोग देखा था, तो देखिए इधर आलू भी छील लेते हैं और काट लेते हैं। जगी महादेव हो जगदी महादेव, हमारे यहाँ शंकर भोलेनाथ जी का सॉन्ग हो रहा है दोस्तों भोजपुरी में, वही गा रही हूँ मैं, शायद आपको ना समझ में आए। तो आलू को हम देखिए मोटे मोटे टुकड़े में ही काट रहे हैं। अब देखिएगा पोए का सब्जी मैं बनाऊंगी, आपके मुंह से पानी आग जाएगा दोस्तों, आप बोलिएगा कि वाह काश हम भी इसी तरीके से बना के खाएं। बहुत से लोग ना पोए के सब्जी का नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी है। आलू देखिए हम कैसे आकार में काटे हैं। सब्जी की कटिंग पे भी सब्जी का टेस्ट का निर्भर होता है। एक ही आलू का सबके घर में कई तरीके से व्यंजन बनते हैं, सब्जियाँ एक ही आलू का कई तरीके से लोगों के घर में सब्जी बनता है और सबका टेस्ट अलग अलग होता है। कटिंग अलग होता है तो भी टेस्ट अलग हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम पोए लिए थे, इसको 4-5 पानी धोएंगे
क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत सारा होता है, जमीन पे ही लेटा रहता है, लेट के सपोला वाला खेल खेलता है ये पोल, इसलिए हम अच्छा से धोएंगे, नहीं तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। खूब हिला हिला के धोने का, कटिंग नहीं करने का। रिक्वेस्ट के पत्ता बांधल जाए, ये जो पोए का बेल है ना, इसे हमारे यहाँ ना रिक्वेस्ट के पत्ता भी बांधा जाता है, अब बहुत अच्छा बन जाता है और मतलब टेस्टी बनता है। इसका रेखोज भी बनता है, इसका पत्ते का रेखोज भी बनता है। ये देखिए हमारे पास लहसुन है, ये ऑर्गेनिक लहसुन है, आप कोई सा भी लहसुन डाल सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो हम लोग खेती करते हैं तो अपने खाने के लिए करते हैं, तो ऑर्गेनिक ही रखते हैं। अभी हम लोग साल भर से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है बॉडी में, वो आप लोगों को आगे दिखेगा। तो इसमें देखिए जो मसाले होते हैं ना, बहुत ही बेसिक और आयुर्वेदिक जैसा मसाला होता है, और ये जो सब्जी होता है बहुत ही टेस्टी। तो देख लेते हैं कि मसाला में हम क्या क्या लिए हैं। तो दो गांठ हल्दी का लिए हैं, एक छोटा चम्मच साबुत धनिया, एक छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच ही हम सरसों लिए। सरसों आप काला या पीला कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 10-12 पीस काली मिर्च का है, और दो छोटा गांठ आप लहसुन देखिए ही, और यहाँ पे मिर्चा 4-5 लिए हैं। इसमें हरा मिर्चा डालिएगा और बहुत ही हेल्दी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा। हरे बाबा भगवान में। तो आप सोचेंगे दोस्तों कि बोलेंगे कि अनिता जी हमारे पास तो सिलबट्टा नहीं है, तो हम कैसे इसको पीसे इस तरीके से बनाए। तो दोस्तों आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं, हल्दी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और इन सब मसालों को मिक्सर जार में पीस सकते हैं। लेकिन मिक्सर जार में साबुत हल्दी नहीं डालिएगा, नहीं तो ब्लेड टूट जाएगा, फिर आप बोलिएगा कि नहीं बताए थे। हल्दी हम कूट के पीस लेते हैं और फिर बाकी का सारा मसाला पीसेंगे। दोस्तों आप में से बहुत से दोस्त पूछते हैं, कहते हैं जब लहसुन का छिलका कभी कभी क्यों नहीं उतारती हो, तो लहसुन का छिलका का भी एक अपना ही महत्व है। आपके पास समय हो तो इसको उतार लें, और नहीं समय हो तो ऐसे भी पीस सकते हैं। लेकिन ये ना जो छिलका होता है ना, हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और इसको लेकिन बारीक पीसना पड़ता है। तो आप बोलेंगे कि मिर्ची का भी डंठल पीस दीजिएगा क्या, तो मिर्ची का भी डंठल पीस सकते हैं आप, क्योंकि ये भी तो ग्रीन पार्ट है, लेकिन इसको हटा भी सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए डंठल हटा दिए हम, लहसुन का छिलका इसी में है, अब इसको बारीक पीसेंगे, बिल्कुल बारीक। वैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जो छिलका मोटा होता है लहसुन का, तो हम लोग सिलबट्टे पे पीसते हैं तो निकल आता है, तो कभी कभी हम लोग इस तरीके से इसको निकाल के हटा भी देते हैं, तो मतलब समय का बचत हो जाता है, और लेकिन छिलका खाना पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। आज हमारे सारे दोस्तों का जवाब मिल गया होगा कि मैं लहसुन का छिलका क्यों डालती हूँ, और क्यों कभी कभी फेंक भी देती हूँ। जो हार्ड हो जाता है छिलका उसको फेंक देती हूँ, कभी कभी बारीक पीसने का मन नहीं होता है तो फेंक देती हूँ, लेकिन पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। आप चाहें तो इसे बारीक ग्राइंड करके डाल भी सकते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। ये मजबूरी पल पल है कर पाए तो टकिया की नकरी में मेरे लाखों को समझ जाए। मेरा बेटा को भूख लग गया है, जल्दी जल्दी बनाने जा रही हूँ, नहीं तो बोल रहा है 1 बजे खाना मिलेगा क्या। डर लगता है, बाबा लोग रहते हैं दोस्तों, इसको हमको साफ करना है। इसमें बाबा लोग भी हो सकते हैं, एक दिन आपको बाबा दिखाई देना। चूल्हा जला लेते हैं, फटाफट बनाते हैं। जब कैमरामैन को भूख लगता है तो क्या होता है दोस्तों पता है, तो जल्दी जल्दी शूट होता है वीडियो। चूल्हा पे एक कढ़ाई रख देते हैं, सरसों का तेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच, अगर कम ऑयली खाते हैं तो 1 चम्मच में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम 2 चुटकी मेथी दाना डालेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा मेथी दाना जो है चटकने लगा है। अब इसमें हम आलू डालेंगे, बारिश वाला गर्मी में क्या कमाल का होता है, वाह वाह। ये देखिए तेल छोड़वा देता है पूरा हाथ पैर में। आलू को देखिए भून के हमें लाल कर लेना है, मतलब सुनहरे कलर का दिखने लगेगा। इतना मस्त जला था, ये गाजर का बीज का जलावन था, मतलब सारा जलावन फैले इसके आगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे आलू पे ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, देख रहे हैं, तो ये आलू हमारा बहुत अच्छा भून गया है। अब यहीं पे हम अपना पीसा हुआ तैयार हुआ किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। अब यहीं पे हम मसाला वाला बर्तन में इस तरीके से हम देखिए हिला के, और हम तो थोड़ा सा मसाला वेस्ट नहीं करते हैं। 1/2 कप पानी डाल लिए हैं, पिसा हुआ मसाला वेस्ट नहीं करना चाहिए इसमें, मतलब डाल देना चाहिए। मसाला को हम 3-4 मिनट भून लेंगे। यहाँ पर मसाला हमारा देखिए कढ़ाई के तल्ला में चिपकने लगा है, तो बस यहीं पे हमको पोहे डाल देना है और लो फ्लेम पे पकेगा। अब ये पोहे का पत्ता हम यहीं पे ऐड करेंगे, तेज आंच है। हम 1/2 कप पानी भी डाल देंगे और अच्छा से इसको अलट पलट कर देंगे।
एक दो बार अलट पलट कीजिएगा ना तो ये जो पोहे के पत्ते होते हैं ना बहुत ही मुलायम होते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, गलने लगेंगे। अब आपको यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, तो स्वाद अनुसार से थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि पोहे का पत्ता अभी और गलेगा। नमक कम रहेगा तो बाद में ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो हम प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों अगर पोहे का सब्जी आपको रसेदार बनाना है तो इसमें 2 से 3 कप पानी ऐड करें और मीडियम आंच पर पका लें। अगर आपको सूखा बनाना है तो इसको क्या करें कि आप धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट पकाएं, पक जाएगा आराम से। तो मैं ना मीडियम में रखूंगी जिससे ना सूखा ना ज़्यादा ये। और आलूओं की बात है तो आलू आपको इतना भूनने के लिए हम कह दिए थे कि आलू ना आधा पक्का हो गया है, यानी कि गोल्डन जब किए थे तब पक चुका है आलू। तो इसको बस धीमी आंच पे आप ऐसे सूखा इसका पोहे का सब्जी भी बना सकते हैं। सूखा बनाइएगा तो ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है और तरीदार रखिएगा तो वो भी टेस्टी लगता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लिबलिबापन आ जाता है तो बहुत से लोगों को लिबलिबापन पसंद नहीं है, लेकिन ये जो पोहे के पत्ता का लिबलिबापन है वो हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो पका लेते हैं और फिर रोटी से खा के आपको दिखाएंगे और साथ में आप लोग दिखाइएगा। सब्जी तो हमारा बन गया था, इस साइड हम गर्मा गर्म देखिए रोटी भी बना ले रहे हैं कि आप लोगों के साथ सर्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा पोहे का सब्जी तो तैयार था पहले से ही, थोड़ा सा इसे गर्म कर ली हूँ मैं, अब इसे हम सर्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम गाय का दूध का दही जमा के रखे हैं रात को, ये देखिए सर्व कर लेते हैं। गाढ़ा दही है देखिए, थोड़ा सा फ्रूट भी रख देते हैं, थोड़ा सा सलाद रख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पोहे का साग रोटी सब्जी का थाली तैयार है और आपको देख के आ गया ना मुँह में पानी। तो ये जो सब्जी है ना बनाइएगा पोहे का, तभी जाके पता लगेगा कि कितना टेस्टी बनता है। तो हम तो जा रहे हैं, अपने बेटे को सर्व करूँगी मैं, क्योंकि वो बहुत देर से वीडियो शूट करवा रहे थे तो अभी भूख लगा है, तो वो मतलब जल्दी भी है कि हाँ 1 बज गया है तो लंच का टाइम भी हो गया है, तो मैं देने जाऊँगी और खाएँगे वो। और फिर कैमरा में तो दूसरा कोई है नहीं, आप लोग बताइएगा कैसा बना इस तरीके से बना के। तो बना तो सभी के लिए है, तो सबसे पहले मैं लाला जी को टेस्ट करवाती हूँ कैसा लग रहा है उनको और फिर वही बताएंगे आपको, क्योंकि उनका ना फेवरेट पोहे का सब्जी है और हमारा जैसा कि बच्चे हैं उनको उतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना अलग अलग तरीके से तो उनको पसंद आ जाता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो लाला जी बोल रहे हैं कभी मैं नहीं खाऊँगा, थोड़ी देर के बाद खाऊँगा, तो मैं ही आपको टेस्ट करवाती हूँ क्योंकि कैमरा मैन तो एक ही है, दूसरा तो है नहीं। तो जल्दी से आप लोग आइए, रोटी और पोहे का सब्जी आपको हम टेस्ट करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो पोहे का सब्जी है बहुत ही टेस्टी, मैं बता नहीं सकती कितना यम्मी, खाने से पहले मुँह से पानी आ रहा है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मैं क्या बताऊँ, आप लोग बनाइएगा तो खुद पता लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये पोहे का साग का रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।